सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप लोगों का रॉयल टेक में एक न्यू टॉपिक के साथ। फिर से आ गया हूँ जिसमें आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्विक लाइव ओला पार्टी के अंदर आप लोग अपना इंडोनेशिया का सर्वर कैसे कर सकते हो, या आप किसी भी कंट्री का सर्वर करके ओला पार्टी यूज कर सकते हो, ओला पार्टी आईडी भी बना सकते हो, या कोई भी ऐप यूज कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ तक कि इंडोनेशिया के हर एक ऐप आप उस सर्वर का कर सकते हो, किसी भी कंट्री का। मतलब आपको कैसे करना है, या इंडोनेशिया का या पाकिस्तान का। अगर बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग तो ज़्यादातर ओला पार्टी यूज़ करना सोचते हैं, आईडीज़ बनाना और सर्वर करना, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में अच्छे से बताने वाला हूं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बाद में ये मत कहना कि यार हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। तो मैं अपने फ़ोन की सेटिंग में चलता हूँ, तो आपको भी अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपके फ़ोन में लैंग्वेज कहाँ पे होती है, एडिशनल सेटिंग में जाता हूँ। मेरे पास एडिशनल सेटिंग है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरी लैंग्वेज और रीजन कहाँ पे लिख रहा है। तो आप लोगों को भी अपने फ़ोन ओपन करना है, आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, आपको अपने फ़ोन के लैंग्वेज में और आपको रीजन में जाना है, और आपको अपने फ़ोन की लोकेशन को ऑफ कर देना है। ये आपको थोड़ा ध्यान से सुन लेना है, आपको अपनी फ़ोन की जो लोकेशन होती है, आपको फ़ोन की लोकेशन ऑफ कर देना है, और फ़ोन को आपको सिम निकाल देना है। इतना भी याद रखना है, आपको अपने फ़ोन से सिम वगैरह सब कुछ निकाल देना है, और वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट करने के बाद आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज इनपुट पे जाना है। तो आप जैसी लैंग्वेज इनपुट पे जाते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबा देना। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर किसी को डायमंड्स का रिचार्ज कराना हो, या अदरवाइज ओला पार्टी में किसी को लाइव चाहिए, डाटा सेंटर चाहिए हो, या ओला पार्टी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साइड में मेरा ओला पार्टी आईडी नंबर और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। और यार आपको ओला पार्टी पे मुझे फॉलो करके ज़रूर आना है। तो आपको क्या करना है, चलो सबसे पहले आपको लैंग्वेज में जाना है, आपको किस कंट्री का अपना फ़ोन करना है। तो इंडिया में रह के आप लोग कुछ भी कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, तो जैसे कि मैं इंडोनेशिया करूँगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडोनेशिया लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, आपको कर लेना है। इससे पहले मैंने लाइव प्रूफ के साथ इससे पहले एक वीडियो बना दी थी, तो शायद एक वॉइस है जो काफ़ी वीडियो के लिए कह रहा था, तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। तो आपको क्या करना है, आपके अपने फ़ोन की लैंग्वेज में जाके, अगर आपको इंडोनेशिया का सर्वर करना है या आपको किसी भी कंट्री का करना है, तो यहाँ पे सारी लैंग्वेज दे दी गई है, आपको कोई सी भी सिलेक्ट कर लेने। तो आपको यहाँ पे इंडोनेशिया करना है, तो आप इंडोनेशिया सेलेक्ट कर लेना है। इंडोनेशिया सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको बैक करना है, आपके फ़ोन के अंदर रीज़न कहाँ पे लिखा होगा। जी हाँ, लैंग्वेज के पास ही हमेशा डेट एंड टाइम एंड रीज़न हमेशा लिखा रहता है, याद रखना। तो आपको रीज़न पे क्लिक करना है, रीज़न पे क्लिक करने के बाद आपने जो लैंग्वेज, आप किस कंट्री का अपना फ़ोन पूरा ही फ़ोन करना चाहते हो, किस कंट्री में आप इसको सर्वर करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भी इंडोनेशिया सेलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, यहाँ पे सर्च मार लेना ऊपर से, आपको इंडोनेशिया यहाँ पे भी सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फ़ोन का लोकेशन बिल्कुल ऑफ कर देना है, ये याद रखना, फ़ोन का लोकेशन ऑफ कर देना है, और डेट और टाइम भी आपको ऑफ कर देना है, ऑटो टाइम जोन भी आपको ऑन करके यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपको किस कंट्री का करना है, इसे ऑन करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आप किस कंट्री के बनाना है। यहाँ पे देखो हर कंट्री का मतलब स्टेट आ जाएंगे, आपको यहाँ पे स्टेट दे दिए जाएंगे, मतलब जी हाँ यहाँ पे स्टेट आप लोगों को मिल जाएंगे किसी भी कंट्री का, आपको डेट और टाइम में आके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा कोलकाता हो रहा है, टाइमिंग कोलकाता की चली, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। इंडोनेशिया का अगर आपका सर्वर है, तो इंडोनेशिया में जितने भी स्टेट होंगे वे सारे यहाँ पे शो करने लग जाएंगे, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका पूरा फ़ोन इंडोनेशिया का सर्वर हो जाएगा। जी हाँ, आपका पूरी फ़ोन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपके पूरे फ़ोन के ऐप्स यूज हो जाएंगे। अगर आप प्ले स्टोर पर जाके कोई ऐप डाउनलोड करोगे तो सारे इंडोनेशिया के आएंगे। अगर आप कोई आईडी यूज़ करोगे, कोई आईडी बनाओगे, सारी इंडोनेशिया की लैंग्वेज में बनेगी, उसमें सारा जो फीचर होगा वो इंडोनेशिया का होगा, उसमें कुछ भी इंडिया का नहीं होगा। अगर आपने जो आईडी बनाओगे ओला पार्टी की, जो आप आईडी बनाओगे ओला पार्टी की, तो वो आईडी फिर आप अपना फ़ोन को सही करके आप इंडिया में भी वो आईडी यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको कुछ और काम करना है, इसी तरह से किसी भी ऐप की आईडी बना के आप लोग बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो फिर अपने फ़ोन को सही करके। अगर आपको सारे टोटली इंडोनेशिया में चलाना है, तो अपना फ़ोन भी सर्वर सारा का सारा इंडोनेशिया के रखो, जो चलाना है वो चला सकते हो। इस तरह से आप लोग इंडोनेशिया का किसी भी कंट्री का सर्वर करके और बहुत ही आसानी से अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो किसी भी
कोई भी ऐप और किसी भी कंट्री का सर्वर और किसी भी कंट्री की आईडी आप लोग ऐसे बना सकते हो। तो दिल से थैंक यू सो मच।